अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। ईद के 3 दिन हो चुके हैं, माशाल्लाह से गुजर चुके हैं सबके। होपफुली अच्छे गुजरे होंगे आप सबके भी। और जी हाँ, ये मेरी 3rd डे की वीडियो है, तो मैंने आपसे वादा किया था, एज़ आई प्रॉमिस्ड, कि मैं ईद के 3rd डे की वीडियो बनाऊंगी और इंशाल्लाह रेगुलर वीडियो बनाऊंगी। तो आजकल देखो, पता है मार्केट्स तो बंद है, तो मार्केट की वीडियो बनाना मुश्किल है, तो मैंने सोचा मैं घर की अपनी वीडियो बना के डालना शुरू कर दूँ। और यह मैं बना रही थी नाश्ता सुबह, और फिर नाश्ते के बाद दोपहर का हमने खाना भी खा लिया था, वो मैं शूट नहीं कर पाई थी। इसके बाद मैं रेडी हो रही थी अपनी अम्मी के घर जाने के लिए दावत में, और मैं मेकअप शेकअप करके बस रेडी होके बच्चों को भी रेडी किया और ख़ुद भी रेडी होके घर में फ़ोटोशूट वगैरह किया, और फिर हम निकल पड़े दावत के लिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आपके एक 2 दिन माशाल्लाह बहुत गुजरे, अच्छे गुजरे होंगे। और जो है मैं 3rd डे है और रेडी हो चुकी हूँ। चले बच्चे, आप लोग आ जाए, दोबारा बोल दें आप सबको हमारी फैमिली की तरफ से बहुत ही मुबारक। जी हाँ, आप रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह से। देखिए अब्दुल रहमान और रियान भी रेडी हो गए, इनकी मम्मा भी रेडी हो गई है। बच्चों के जो आउटफिट्स हैं फ्रॉम आउटफिटर्स, और मेरा जो आउटफिट है ये 3rd डे का, दिस इज फ्रॉम जे डॉट। और मेरे शूज जो है वो कहाँ से लिए थे मैंने, मोची से लिए थे। हाँ, वो मैंने मोची से लिए थे, तो बिल्कुल न्यू ब्रांड रखे हुए थे, तो मैंने वही पहन लिया। इस बार परचेज नहीं किया, वो मेरी लास्ट ईयर की परचेज थी। और बैंगल्स फ्रॉम मीना बाजार, और मेकअप मेरे पास जो था मैंने वही कर लिया भाई। और सुनाए आपने क्या क्या तैयारी की ईद की, जरूर शेयर कीजिएगा अपनी ईद की तैयारी, ईद के लुक्स कमेंट में बताइएगा। आपने कौन से कलर का ड्रेस पहना था? फर्स्ट व्लॉग में आपने देखा कि मैंने लाइट ब्लू ड्रेस पहना था, अभी आज मेरा है डार्क ब्लू ड्रेस, डार्क ब्लू प्लस व्हाइट, तो इस पे व्हाइट कढ़ाई हुई हुई है। और ये है मीना, पूरा चिकनकारी का ड्रेस मेरा। अब मैं आपको पूरा ड्रेस हटो रहे हैं, हटो जी हाँ। कराची में बड़ी शदीद गर्मी हो गई है, इसलिए मैंने जो है लाइट लाइट सा चिकनकारी का ड्रेस बनवाया था। मैंने तो हैवी ड्रेसेस इस बार ईद पे नहीं बनवाए, और ये मैंने फुल जो है लेस लगवाई थी, और मेरी जो टेलर है माशाल्लाह बहुत अच्छी है, उन्होंने फुल लेस वगैरह लगा के मुझे रेडी करके ड्रेस दिया। इसकी जो स्लीव्स हैं वो चिकनकारी की स्लीव्स हैं, और ये ड्रेस में भी चिकनकारी का फुल वर्क है इसका। देखिए आप नीचे दामन में भी फुल वर्क है इसका, ट्राउज़र जो है वो प्लेन है। और इसके साथ मैंने मैचिंग जो है वो सैंडल्स सिल्वर कलर की हैं। और बस अब हम जा रहे हैं दावत में, तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपको दावत में। तो स्टे ट्यून, बने रहिए, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट क्लिप में इंशाल्लाह, दावत में साथ चलते हैं। चले बने रहिए साथ, इंशाल्लाह दावत में जा रहे हैं। आप एक चीज भूल रही हो, क्या चीज बेटा, क्या चीज? मिठाई लाने की। ओहो, अच्छा याद दिलाया आपने, थैंक यू सो मच। मिठाई हम भूल गए थे भाई, इतने दिन भी गए थे, तो और आज याद करवा दिया मेरे बेटे ने, तो मिठाई तो लाजमी लेके जाना है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच बेटा। माशाल्लाह से तैयारी शुरू हो चुकी है खाने की, तो अब खाना खाते हैं, फिर आपको मेन्यू बताती हूँ। खाना खाते हैं इंशाल्लाह करें, आज गर्मी बहुत है कराची में, और बहुत गहमा गहमी होती है। आपको पता है दावत वाला घर होता है, बहुत ज़्यादा गहमा गहमी होती है, किचन भी फुल है माशाल्लाह, मेहमानों से घर भरा हुआ होता है, बड़ा ही मज़ा आता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबके भी अच्छी गुजरे माशाल्लाह से, और हर साल हमेशा अच्छा ही गुजरे, और आप सब हमेशा खुश रहें, मेरी तो हमेशा से यही दुआ है। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ खाने के टेबल पर इंशाल्लाह। फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आज भी छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है, आई होप आपको अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।